हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक रॉय में। आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो वाला है आपका सोनी का एलईडी जो 2020 में नया निकला है। इसका पूरा डेमो देने के लिए मेरे साथ है किसानुदा, जो इसका पूरा डेमो दे रहे हैं। किसानुदा है जो बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है जो इसका पूरा डेमो देगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपके घर में कोई भी एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रहा है, कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको पता नहीं चल रहा है, आप प्लीज कमेंट करके आपका नेम, एड्रेस और फोन नंबर बताइए, देखिए हम लोग उसका सर्विस देते हैं। तो चलिए आपका एक वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि विषय हो जाए बारा, तो आपका लेटेस्ट 2020 का एलईडी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या क्या फीचर है इसका। हाय, मैं किशन हूँ। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सोनी का 2020 का एकदम लेटेस्ट मॉडल जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का भी है और इसमें बहुत सारा फीचर्स भी है, नया नया फीचर्स है और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टीवी का आपका जो मॉडल है मैं बताता हूँ। इसका मॉडल है X75H। ये 2020 का एकदम नया मॉडल एवं हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो क्वालिटी है वो देखिए टीवी आ रहा है। ये बेसिकली 4K टीवी है। 4K टीवी में इसके साथ साथ इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपका स्मार्ट प्लेटफॉर्म है वो एंड्रॉइड, जो आज के डेट में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे, मान लीजिए आपका घर पे अगर कोई आदमी कोई गैजेट यूज कर रहा है, चाहे मोबाइल हो या कुछ भी गैजेट हो, जिसमें देखिएगा अगर 10 आदमी यूज करता है तो उसमें 9 आदमी का आपका प्लेटफॉर्म यूज होता है एंड्रॉयड, जिसके वजह से ये काफ़ी पॉपुलर भी है। ये जो टीवी है एक 75H, इसका जो मेन फीचर्स और पार्ट तीन चीज़ के ऊपर आपका बेस्ट क्वालिटी दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका आपका प्लेटफॉर्म जो एंड्रॉयड है। सेकंड है इसका आपका वीडियो प्रोसेसर 4K X1 वीडियो प्रोसेसर है। सेकंड इसका कलर टेक्नोलॉजी ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले, जो मैं आपको बारीकी से बार बार बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स इसमें है। सेकेंड, ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट है, जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कुछ भी सर्च कीजिए, कुछ भी चाहिए वो आपने वॉइस के द्वारा कर सकते, कुछ भी, क्योंकि इसमें बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट है। जैसे मैं पहले तो इसका यूजर इंटरफेस दिखा रहा हूं, ये आपका एंड्रॉयड टीवी का यूजर इंटरफेस, जहां पर क्या होता है एक ही पेज में आपका सारा एप्लीकेशन क्या क्या आपको चाहिए पूरा सब कुछ आ जाता है। और पहले ही बताया ये आपका एंड्रॉयड टेलीविजन है जिसमें इसके साथ बिल्ट इन प्ले स्टोर भी आ, जिसमें आप 5 लाख ऐप कुछ भी जो आपको चाहिए उसमें आप जाके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड इसमें आपका और भी है, उसके बाद आता है आपका इसका पिक्चर क्वालिटी जो 4K HDR टेक्नोलॉजी पिक्चर क्वालिटी आएगा, जिसमें आप इसका बहुत ही अच्छा जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन है वो इसमें आप प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन टीवी के जो बात आता है उसके बाद आता है आपका इसका जो सेकेंड टेक्नोलॉजी वो है 1X1 4K प्रोसेसर। ये आपका सोनी का सबसे पॉपुलर और बेस्ट वीडियो प्रोसेसर है, जिसमें आपका क्या होता है पिक्चर को आपका बेटर डिटेल, बेटर क्लैरिटी और आपका बेटर कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस भी देता है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, इसका लाइव जो चैनल आप देखते हैं नॉर्मली सोनी वगैरह हो या कलर्स हो वो देखते हैं, वो चल रहा है अभी इसमें, जो नॉर्मल एक हाई डेफिनेशन चैनल है। बट इसमें जो आपका 4K X1 प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें क्या होता है इसका बेटर डिटेलिंग, बेटर ब्राइटनेस, बेटर कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आता है। उसके साथ साथ इसमें और भी एक वीडियो प्रोसेसर यूज करता है जिसको बोलते हैं 4K Accelerative Pro। उसमें क्या आता है आपका कोई भी आपका नॉर्मल सोर्स का पिक्चर हो, चाहे वो HD हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म का वीडियो हो या आपका फोन से वीडियो शेयर कर रहे, कोई भी आपका रेजोल्यूशन का वीडियो को वो नियर अबाउट 4K में अपस्केल करता है, जिसमें आप नॉर्मल पिक्चर चैनल को भी 4K में भजा दे सकते हैं। सेकेंड, इसके साथ साथ इसमें आ रहा है और भी एक अच्छा फीचर्स आ रहा है जिसको बोलते हैं आपका क्रोमकास्ट। जैसे आपका फोन में कोई वीडियो हो, यूट्यूब वीडियो, कोई भी गूगल पे वीडियो या फोटो हो, आप अपने फोन से डायरेक्ट इसमें कास्टिंग कर सकते हैं। ये आपका ये सारे फीचर्स इस टीवी में आते हैं।
लेकिन इसमें आप जैसे नॉर्मल आप मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इसका प्ले स्टोर से आप अगर प्ले स्टोर ओपन करेंगे, इसका प्ले स्टोर से बहुत सारा ऐप जैसे फेसबुक होता है, और सबसे लेटेस्ट जैसे आप लोग ओटीटी डिवाइस सब प्लेटफॉर्म देखते हैं जैसे अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, मूवी, ये सारे एप्लीकेशन इसमें आपका है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें रख भी सकते हैं। बट वो जो एप्लीकेशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली नेटफ्लिक्स या अमेजोन में आपको एक मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, बट ये एंड्रॉइड टीवी में एमएक्स प्लेयर टीवी बोल के एक एप्लीकेशन दिया हुआ, ये भी आपका एक मूवी एप्लीकेशन है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी देख सकते हैं। सेकेंडली इसमें आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि कोई भी टीवी में, कोई भी प्लेटफॉर्म ब्रांड हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिसमें एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है उसमें आप सारे वीडियो प्लेबैक नहीं कर सकते, बट ये एंड्रॉयड टीवी होने के कारण इसमें आप वीएलसी और एमएक्स जो प्लेयर आपका होता है एप्लीकेशन, वीडियो एप्लीकेशन जो जिसमें आप बहुत सारा का फॉर्मेट का वीडियो आप प्ले कर सकते, ये सारी चीज इसमें है। और सबसे बड़ी बात है जैसे एक अच्छा टीवी आपको मिल रहा है विथ यूजर एक्सपीरियंस और बहुत ही आपका पॉपुलर एंड जो पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, इसमें आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसके साथ साथ इस टीवी में आपका साउंड भी बहुत भी अच्छा दिया, जिसमें आपका सोनी इसमें क्या कर रहा है, आपका दो स्पीकर यूज कर रहा है जिसको बोलते हैं बास रिफ्लेक्स स्पीकर, जो एक सोनी का खुद का अलग क्वालिटी का स्पीकर क्वालिटी है जिसमें आपको बास का इफेक्ट भी अच्छा मिलेगा, साउंड की क्लैरिटी भी अच्छा है। एक स्पीकर इसमें यूज हो रहा है जिसके साथ साथ टीवी का पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा है, टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका जो यूजर इंटरफेस या सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड इसके साथ आ रहा है, और सबसे बढ़िया साउंड भी आ रहा है। जैसे कि आप साउंड बता रहे हैं, इसका वाटेज कितना है? इसका है आपका 20 वाटेज RMA Dolby साउंड, वो साउंड आउटपुट दिया है, इसमें आपका स्टीरियो टेक्नोलॉजी भी दिया है। साथ साथ इस साल में सोनी में एक अच्छा आपका जो ये मॉडल है इसमें एक अच्छा फीचर्स भी दिया हुआ है, जिसमें आप मान लीजिए हम लोग जो मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं उसमें क्या होता है, जो डायलॉग के साथ साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। और नॉर्मली क्या होता है बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा होता है जब हम वो जो डायलॉग बोल रहे हैं तो हम सुन नहीं पाते, तो इसमें डायलॉग एक साउंड मोड में डायलॉग एप्सपीलिंग बोल के सेटिंग दिया हुआ है, और अगर उसमें डालेंगे तो डायलॉग भी आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी भी इसमें सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया इसमें दो वीडियो प्रोसेसर यूज कर रहा है सोनी में, एक 75H जो आपका एक 4K 101 प्रोसेसर यूज कर रहा है जिसकी वजह से आपका इसका बेटर डिटेल, बेटर क्लैरिटी और बेटर कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस में मिलेगा, साथ साथ 4K XLR प्रो जिसमें आप कोई भी चैनल को नियर अबाउट 4K में आ सकते हैं। जैसे कि आपने वाला जो साइज बोला है, अभी कस्टमर का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कितना साइज ले, कितना जगह के हिसाब से, वो कैसे जगह के हिसाब से आप ले सकते हैं। बेसिकली ये 4K टीवी है, 4K रेजोल्यूशन का टीवी है, तो इसका आपका कोई अंतर नहीं है। जैसे बहुत सारा कस्टमर को जगह का प्रॉब्लम होता है, जब मेरा नजदीक से टीवी देखूंगा बट मेरे को बड़ा देखना है, कोई इशू नहीं है। आप ये 4K टीवी आप कोई भी साइज ले सकते हैं, नॉट एन इशू। एक 75H ये आपका तीनों साइज में आता है, इस साल तो तीनों साइज में निकला है, 43 इंचेस में भी आता है, 49 इंचेस में भी आता है, और सबसे बड़ा साइज होता है 55 इंचेस। तो आपका अनुसार आपका घर में जो साइज आपको बेटर बेहतर लगता है आप उस साइज से टीवी लीजिए, फीचर तीनों टीवी में से। मतलब डिस्टेंस को कोई मैटर नहीं करता? डिस्टेंस मैटर करता है, बेसिकली आपका मान लीजिए आपके अगर आपके पास 6 से 7 फीट डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली आप 55 इंचेस जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें आपका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और आपका पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा लगता है, जैसे नजदीक से देखने से आपका टीवी का कोई पिक्चर डिस्टॉर्शन या कुछ नहीं। आप 6 से 7 फीट अगर डिस्टेंस रहता है आपका तो 55 इंच लीजिए, अगर उसके हिसाब से थोड़ा जगह है तो उसके बाद 49 40 के कुछ नहीं। जैसे कि ये तो 2020 का नया मॉडल है, आप तो सेल भी किया है, इसका रिव्यू कैसा है? इसका रिव्यू सबसे बड़ी अच्छा है, बहुत भी अच्छा रिव्यू है, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी एक चीज है सोनी का दो चीज जो ये सबसे बेहतरीन बनाता है टीवी को, फर्स्ट ऑफ ऑल है उसका वीडियो प्रोसेसर, सेकंड है इसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके वजह से इसका टीएफ इस टीवी का रिव्यू अभी सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया। और आपका सेल सर्विस वाला? आपका सेल सर्विस ये कंपनी आपको इसके ऊपर 1 साल का वारंटी देता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कंपनी की तरफ से फुल फ्री सर्विस एंड जो जो वगैरह लगता है वो आ जाएगा,
और ये आपका ऑनसाइट ही होता है। आप सिर्फ टोल फ्री नंबर पे 1800103 7799 पे कॉल कर दीजिएगा, कंपनी का आदमी 24 आवर्स में आपके वहाँ पर और इसके साथ में और भी एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको एंड्रॉइड टीवी बताया और इसके साथ बोलता है इनबिल्ट इन गूगल असिस्टेंट, उसके साथ ही रिमोट आप जो इसमें आपका इनबिल्ट वॉइस माइक ऑप्शन दिया हुआ है जो ए वाला बटन है, ये बटन प्रेस करने से आपका कोई भी सर्चिंग ऑप्शन हो आप सेफ मुंह में एक बार बता दीजिए ये टीवी वर्क कैसे भी हो। जैसे मान लीजिए आपका एंड्रॉइड टीवी है, अगर आप इसको बोलते हैं हाय गूगल तो ये आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। आज का वेदर रिपोर्ट क्या लेटेस्ट न्यूज है, आप इसको आपका कोई भी काम बोल के रखा है कि मेरे को याद देना है, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो या इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना हो, किसी से मिलना हो, अगर इसको आप बोल के रखते हैं तो टीवी आपको सुबह सुबह ही बता देगा। ठीक है, सेकंड इसमें आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स बिगफ्लिक्स अमेजोन प्राइम वीडियो कुछ भी देखना चाहते हो आप सिर्फ इसमें मुंह में बताइए। मान लीजिए आपको कोई मूवी देखना है तो जस्ट प्रेस इट एंड बोल दीजिए मूवी का नेम, प्ले ऑन आपका कोई भी फेवरेट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो, सिर्फ उनका नाम बता दीजिए तो ऑटोमेटिकली टीवी आपका वो वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म ओपन करेगा और आपको मूवी आपको प्ले करेगा। सो फ्रेंड्स, आप देखे ये वाला सोनी का एलईडी जो नया निकला है, ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।